खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य प्रबंधन एवं प्रसूताओं के परिजनों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें कि जिला अस्पताल में अलग अलग प्रसव कराने के दो केस आए थे, जिसमें प्रसव के दौरान दो नवजातों की मौत पर प्रसूताओं के परिजनों ने स्वास्थ्य प्रबंधन पर 5,000 रुपये मांगने और लापरवाही के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अपने आप ही माँ के पेट में गर्भ में ही किसी कारण से पहले से ही डेथ थी। मैगांव से रेफर होके आए दोनों के दोनों। एक उम्री का ऑलरेडी मैं अभी भी ड्यूटी पर आई हूँ, तो रेफर होके आया था। उसकी बच्चा को पहले से ही खून की कमी थी। आरोप लगाया जा रहा है रुपए की मांग की गई। नहीं नहीं, कोई रुपए की मांग नहीं की गई, कभी नहीं। 5,000 रुपए की मांग नहीं, बिल्कुल। आप बस 1,00,000 बोल दो। कौन से डॉक्टर की ड्यूटी ना, पलट दो कुछ बोल दो। कौन से डॉक्टर की ड्यूटी थी? डॉक्टर शालिनी मैडम। जबकि हमारी शालिनी मैडम पूरी रात से ऑपरेशन थिएटर में एक पेशेंट को रिपेयर कर रही थी, पूरी रात 1 बजे से लेके सुबह 5:30 बजे तक उन्होंने, और पूरे दिन 24 घंटे की ड्यूटी रहती, पूरा उन्होंने पूरा जितने भी मरीज थे सबको स्टिच करना, रिपेयर करना, खुद डॉक्टर शालिनी मैडम। उसका बच्चा स्टिल बर्थ था, वो डायरेक्ट एसएनसीयू में आई, ठीक है। डॉक्टर साहब ने वहाँ पे नोट्स लिख दिया हुआ कि बच्चा मृत लाया गया, वो अनावश्यक यहाँ पे जिम्मेदार ठहरा रहे एसएनसीयू को, ये तो गलत है। दूसरा, जो महिला है जिसकी अभी ये चर्चा हुई, जिसका अटेंडेंट ने इतना न्यूसेंस क्रिएट किया कि पूरी यूनिट 1.5 घंटे तक प्रभावित रही, कि हमको पुलिस को सूचना देनी पड़ी और जब CSP साहब आए तब माहौल शांत हुआ। बता, आप परिजनों का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं पे घुसे हुए थे लेबर रूम में, ठीक है। कोई घटना हो जाएगी सर? नहीं, घटना हो जाए तो बात बाहर से पूछ लो ना यार। परिजन का आरोप है 5,000। आप ले आइए प्रूफ। उनका कहना है जो मैं जो जिस स्टाफ सर जिस स्टाफ ने पैसा मांगा है वो स्टाफ वहाँ पर नहीं है, उसको सामने बुलाया जाए। न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है वहाँ पे, पूरा माहौल उसने अस्पताल का खराब किया, वो कुछ भी आरोप लगाएगा। सर विधायक भी उस दिन लेबर रूम में गए हुए थे।